गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग, जीपीसी अलवर। आज हम 307 सब्जेक्ट कोड एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में सैंपल पेपर फड़ करेंगे। इससे पहले भी मैंने सैंपल पेपर जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, पहले और दूसरे, वो भी आपको लिए तैयार किए थे। आज ये सैंपल पेपर 3 है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। जैसे पहले सरफेस एक्सकवेशन, तो अगर इसको आने से पहले आपको ये देखना है कि जो अर्थवर्क की क्वांटिटी है, सिंपली अगर अर्थवर्क के लिए बोले तो उसकी हम मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में करते हैं। एक तरह से वॉल्यूमस है, उसमें 3 डायमेंशन है और उसके अंदर 2 टर्म है जो सामान्य तौर पर यूज होंगी, लीड और लिफ्ट। जनरल बात करें तो लीड 30 मीटर और लिफ्ट 1.5 मीटर, लेकिन आईएस स्पेसिफिकेशन में लीड 50 मीटर के फ्रैक्शन में मानते हैं। तो अगर इसके अंदर देखें कि सरफेस एक्सकवेशन को मेजरमेंट किस में करेंगे, सरफेस एक्सकवेशन की डेफिनेशन ये है, विड्थ जिसकी मोर देन 1.5 मीटर, प्लान एरिया 10 मीटर स्क्वेयर और उसकी डेप्थ नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर है। अगर ऐसा है ये स्पेसिफिकेशन या ये डेफिनेशन, उस केस में इसको कहेंगे सरफेस एक्सकवेशन और इसकी मेजरमेंट होगी मीटर स्क्वेयर। तो ये आपको डायरेक्टली पर्सन ध्यान रखना है। और दूसरा, लीड और लिफ्ट टर्म्स आर यूज्ड इन अर्थवर्क। सेकंड है वुड वर्क मेजर टू द नियरेस्ट। वुड वर्क की एक्यूरेसी क्या है, 2 mm या 0.002 मीटर तक। जैसे वेट की एक्यूरेसी अपन कितनी मानते हैं, 1 kg, तो इसी तरह से अपन वुड वर्क की एक्यूरेसी है 2 mm। स्पेशल रिपेयर वर्क आफ्टर एवरी 4 ईयर नोन एज, जो स्पेशल रिपेयर वर्क है जो आफ्टर एवरी 4 ईयर अपन कंसिडर करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेनियल रिपेयर। क्वाड्रेनियल रिपेयर, इसी के अंदर आप देखिए कि एक MB होती है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होती है। MB क्या होती है, MB ये है जिसके अंदर जर्नल जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया गया काम है उसकी मेजरमेंट करता है जूनियर इंजीनियर, और उसके बिहाफ पर बिलिंग होती है। इसी तरह से एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है जो कि एनुअल रिपेयर जो मेंटेनेंस है तो उसकी मेजरमेंट होती है। यानी जब आप हर साल रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर अलग से मेजरमेंट करने की ज़रूरी नहीं, जो बिलिंग है उसी से आप कर सकते हो और उसको हर 5 साल बाद चेक करते हैं। अगर कोई एडिशनल अल्ट्रेशन हुआ है तो उसमें एंट्री करते हैं। तो इस तरह से उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। जर्नल मेजरमेंट बुक है वो एंट्री या जिसको रिकॉर्ड करता है वो जूनियर इंजीनियर है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, उसको बुक वैल्यू कहेंगे। बुक वैल्यू क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अप टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल तक की जो डेप्रिसिएशन हुई जितनी भी, और ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, बुक वैल्यू है। यानी यूटिलिटी पीरियड पूरा होगा, उसकी पूरी लाइफ होगी, तो उसके बाद फुल 90% डेप्रिसिएशन होगा, तो एक तरह से क्या बचा उसका, 10% स्क्रैप वैल्यू। क्योंकि अपन मानते हैं कि डेप्रिसिएशन 90% तक है किसी भी स्ट्रक्चर का, और रिमेनिंग 10% है वो उसका वो उसकी स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड। पर्सन हु टेक्स द लीज इज नोन एज लेसी, अगर जो लीज लेता है वो लेसी, और लीज जो ग्रांट करता है वो लेसर होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। जितनी ज्यादा डक्टाइल होगी स्ट्रक्चर
उतनी ही अर्थक्वेक में अच्छे बिहेवियर करेगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है उसमें स्टील ऐसी हो आगे जो मोर डक्टाइल हो, सच एज माइल्ड स्टील को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज कम इसलिए हो रहा है कि इसमें जो बॉन्ड कमजोर है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ भी कम है और ये काफ़ी क्वांटिटी में लगती है स्टील। इसकी बजाय जो न्यू जनरेशन की स्टील है जिसमें हम CRS स्टील बोल सकते हैं या TMT स्टील बोल सकते हैं या जिसकी सुपर डक्टाइल या मोर डक्टाइल है इस तरह की स्टील, उनको भी यूज कर सकते हैं इस केस ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। सुपर बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द बिल्टअप एरिया एंड कॉमन एरिया, कॉमन एरिया सच एज लिफ्ट स्टेयरकेस पैसेज, ऐसा जो कॉमन एरिया है वो एंड समेशन ऑफ ऑल बिल्टअप एरिया इज नोन एज सुपर बिल्टअप एरिया। एक यहाँ एक प्रश्न और कॉमन आता है कि एरिया नोट कंसिडर इन प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, कि प्लिंथ एरिया में क्या कंसिडर नहीं करते। एक लॉफ्ट का एक कॉमन प्रश्न है कि लॉफ्ट के एरिया को हम प्लिंथ एरिया में कंसिडर नहीं करते। लॉफ्ट एक 7 फीट हाइट के ऊपर और रूफ के नीचे बीच में जो स्पेस है वहाँ स्टोरेज के लिए कई बार हम लोग कास्ट कर देते हैं तो वो इसमें काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है, ओपन चौक है, वो भी आपका प्लिंथ एरिया में काउंट नहीं होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर लीड फॉर सैंडी ट्रैक, अगर मेटल ट्रैक है तो लीड फैक्टर 1 है, लेकिन अगर सैंडी ट्रैक है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.4 होगा, कार्ड्स ट्रैक 1.1 होगा, मेटल ट्रैक है तो 1 होगा। इस तरह से एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग 15% फॉर फ्लोर एरिया, यानी जितना फ्लोर एरिया है बिल्डिंग का तो उसके अकॉर्डिंगली जो विंडो का एरिया होना चाहिए वो मिनिमम 15%, सो दैट इजीली लाइट एंड एयर उसमें आ सके। नेक्स्ट कारपेट एरिया, कारपेट एरिया क्या होगा, टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया एंड माइनस अनयूजेबल एरिया, जैसे टोटल फ्लोर एरिया में से पैसेज लॉबी को माइनस कर देंगे और इसी के साथ सच एज टॉयलेट ब्लॉक किचन इनको भी हम माइनस कर देंगे कारपेट एरिया के लिए। तो कारपेट एरिया लिवेबल एरिया है, लेटेबल एरिया है, ऑफिस बिल्डिंग है उसमें ज़्यादा होगा 75% ऑफ द प्लिंथ एरिया, रेजिडेंस में ये 65% ऑफ द प्लिंथ एरिया का टारगेट हम लेकर चलते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग किचन इन विच डायरेक्शन, यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो जो किचन है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन करें, किचन की डायरेक्शन किधर रखें, तो किचन की डायरेक्शन हम लोग विशेष तौर पर साउथ ईस्ट में रखते हैं। साउथ ईस्ट में रखने का एक सबसे बड़ा कंसीडरेशन ये है कि जो सनलाइट है और प्रॉपर एयर है और वो उसके अंदर आती है तो ताकि किसी प्रकार के बैक्टीरिया उसमें पैदा नहीं हो सके, इसलिए किचन की ओरिएंटेशन साउथ ईस्ट में रखनी चाहिए। टास्क ऑफ 12 mm थिक सीमेंट मोर्टर प्लास्ट, यानी एक मेसन की पर डे की अगर वह 12 mm थिकनेस का प्लास्टर सीमेंट मोर्टर का करे तो कितनी टास्क है, 8 meter square एवरेज मेसन की बात है, अगर उसकी जो टास्क है वो 8 meter square है। तो ऐसे बहुत और भी इम्पोर्टेंट हैं जो टास्क के जो हैं वो मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताए हुए हैं, चाहे PCC है, चाहे वो अर्थवर्क है, चाहे वो मेसनरी वर्क है, चाहे RCC है, चाहे RB वर्क है। तो इस तरह से ये कॉमन जो सिविल इंजीनियरिंग आइटम हैं उनकी आपको टास्क भी याद रखनी है जो एवरेज मेसन की है। तो आज ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, उनको अपन ने डिस्कस किया है जो आपके लिए बहुत यूजेबल रहेगा। थैंक यू।